Good morning everyone. गुड मॉर्निंग चलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज हम स्टडी करने वाले हैं ग्लाइकोसाइड्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड मॉर्निंग अल्ताफ गुड मॉर्निंग प्रशांत सोनाली राहुल गुड मॉर्निंग एवरीवन चलिए जल्दी से शेयर कीजिए ताकि हम जल्दी से स्टार्ट करें क्लास क्योंकि आज आपका ग्लाइकोसाइड हम स्टडी करने वाले हैं और इसमें हम बहुत ही अच्छे अच्छा ट्रिक के थ्रू हम आपको इसका जो क्लासिफिकेशन है केमिकल टेस्ट है इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं तो चलिए रेडी हो जाइए क्लास के लिए गुड मॉर्निंग अभिषेक कैसे हैं आप सब गुड मॉर्निंग रितुजा चलिए आज संडे है कुछ अच्छा अच्छा सा क्लास करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रिक देखेंगे इसमें हम ग्लाइकोसाइड से जैसे हमने एल्कोलाइड में देखा था तो चलिए जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स तक अपने जूनियर तक अपने सीनियर सारे लोग को शेयर कीजिए ताकि हम जल्दी से क्लास स्टार्ट करें क्योंकि यदि हम लेट हो जाते हैं फिर एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए है ना चलिए <coughs> ठाक है ओके अभिषेक चलिए कुछ नहीं गुड मॉर्निंग रवि चल चलिए जल्दी जल्दी से सबको बोलिए ज्वाइन होने के लिए गुड मॉर्निंग हरीश तो हम जल्दी से क्लास स्टार्ट करेंगे चलिए जल्दी ज्वाइन हो जाइए चलिए तो हमने फार्म हम फार्माग्नोसिस स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री स्टडी कर लिया है बहुत अच्छे से कर लिया है कि नहीं सबको सब कुछ क्लियर है और हमने चैप्टर फोर से एल्क्यूलाइट भी स्टडी कर लिया है उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू भी देख लिए हैं सब कुछ क्लियर है उससे गुड मॉर्निंग सभी को चलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए हम लोग आज बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्लास करने वाले हैं देखेंगे इसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक जो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा ओके चलिए राहुल ओके हाँ सब कुछ क्लियर है तो चलते हैं अब हम ग्लाइकोसाइड की ओर चले ग्लाइकोसाइड स्टडी करने वाले हैं साक्षी, साक्षी, ओके चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोसाइड आपको कितना क्लियर है ये आपके एमसीक्यू सेशन में पता चल ही जाएगा है ना हम लोग क्या करेंगे जितना भी अभी स्टडी किए हैं चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री फोर जब कंप्लीट हो जाएगा सबका एमसीक्यू एक साथ कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन तो वहां पे आपको पता चल जाएगा आप कितने क्लियर हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्लाइकोसाइड ग्लाइकोसाइड क्या होता है ग्लाइकोसाइड क्या है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या देखा था हमने ये क्या थे सेकेंडरी मेटाबोलाइट थे प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं क्या होते हैं ग्लाइकोसाइड प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ये वेरी गुड चलो सबको क्लियर clear है <clears throat> हाँ ठीक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती हैं और ये जो ग्लाइकोसाइड है ग्लाइकोसाइड का वर्ड देख पा रहे हैं इससे मैंने क्या बताया था ग्लाइको ग्लाइको क्या ग्लूको यहाँ पे आपको समझ आ रहा है ग्लूको जैसा वर्ड आ रहा है ग्लूको क्या होता है सुगर मींस इसमें क्या होगा सुगर मोइटी प्रेजेंट होता है इतना तो आपको ध्यान रखना होगा गुड मॉर्निंग एकता चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट आपका एल्क्योलाइड जैसे हमने देखा था बेसिक चीजें वैसे ही हम अभी ग्लाइकोसाइड में कुछ कुछ ऐसी बेसिक चीजें देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपको याद करना नहीं पड़ेगा ये सारी छोटी छोड़ छोटी चीजें आप यदि ध्यान में रखें तो ओके तो क्या देखा था हमने ग्लाइकोसाइड दो चीजों से मिलकर बनता है या फिर ऐसे कह सकते हैं जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसमें हम वाटर डाल देंगे या इसका इंजाइम जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है क्या होता है क्या होगा बताइए जल्दी बताइए हो हो क्या होता है ये में में हो हो जाता जाता है पार्ट। है 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 क्या होता 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 एक एक दूसरा चलिए जल्दी से कीजिए आज का क्लास बहुत ही एनर्जेटिक रखिए क्योंकि आज क्या है संडे है और संडे हमेशा क्या होता है स्पेशल होना चाहिए आज हम स्पेशल क्लास आपका ग्लाइकोसाइड जिसमें अच्छे अच्छी हम ट्रिक भी देखने वाले तो चलिए जल्दी से एनर्जेटिक रहिए चीजों को जल्दी से रिवाइज कीजिए वेरी गुड हरीश ओके okay, तो क्या करने वाले थे हम देख रहे हैं ग्लाइकोसाइड जो क्या होता है जब इसका हम एंजाइमेटिक और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पे करते हैं तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है ये ग्लाइको और ए -ग्लाइकौन पार्ट को तो क्या कहते हैं हम सुगर पार्ट सुगर पार्ट होता है और ए ग्लाइकोन क्या होता है जैनिन जहां भी आप ग्लाइकोसाइड में यदि इसके केमिकल कॉन्सेंट ने आपको जेनिन दिखाई दिया तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है सफिक्स यदि जैनिन रहा मीन्स ये क्या है मीन्स ये है ए ग्लाइकॉन मोइटी और यदि ओज ओज यदि इसका सफिक्स रहा तो आप उसको समझ लीजिए क्या है ये सुगर मोइटी यही होता है आपका ग्लाइकोसाइड जो कि दोनों चीजों से मिलकर बनता है और मैंने क्या बताया था एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या होता है इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है ये जिससे जुड़ा है क्या होता है क्या कहलाता है ये रिश्ता क्या बताया था मैंने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये क्या होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है इनके बीच में ये सारी पॉइंट है बेसिक चीज है ये सारी चीजें याद रखना चाहिए ओके जैसे कि और क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जैसे कि हमारा पेन है पेन क्या होता है जब हम इसको यूज करते हैं तो दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं करते हैं ये इसका बॉडी पार्ट है और ये क्या है इसका कैप ओके तो क्या करते हैं हम इस पार्ट का ही मेनली यूज करते हैं इसको ही लिखने के लिए यूज करते हैं ना तो क्या होता है ये आपका एक ग्लाइकोन पार्ट है समझ लीजिए जिससे आप मेन वर्क करते हैं तो फंक्शन की बात करें यदि ग्लाइकोसाइड की फंक्शन की बात करें तो क्या होगा जो एक ग्लाइकोन पार्ट होगा वो क्या होगा आपका वो आपका केमिकल एंड थेरप्यूटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पांसिबल होता है यही एक ग्लाइकोन पार्ट आपका ओके समझ पा रहे हैं ओके चलिए अब ये जो ग्लाइकोन पार्ट बचा ऐसा तो नहीं है कि ग्लाइकोन पार्ट कुछ यूज नहीं होगा ऐसा तो नहीं है कैप का कुछ यूज नहीं है ये भी तो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कर रहे हैं ना वैसे ही ये जो क्या है ग्लाइकोन पार्ट है, वो क्या करता है, करता है और ट्रांसपोर्ट करेगा साइट ऑफ एक्शन तक किसको ये जो ग्लाइकोन पार्ट है जब तक वो साइट ऑफ एक्शन में जाएगा नहीं तो दिखाएगा जब तक साइड ऑफ एक्शन में जाएगा नहीं तो रिस्पांस कैसे दिखाएगा वैसे ही जैसे इसको आप बिना कैप के रख दें तो ये क्या हो जाता है खराब हो जाएगा पेन ज्यादा दिन तो इनको टिकेगा नहीं क्या हो जाएगा खराब हो जाता है ना तो इसीलिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है साथ में ओके समझ पा रहे हैं को रिलेट कर पा रहे हैं इसी प्रकार से आप कोरिलेट करके ध्यान रखिए ताकि आपको याद करना ना पड़े वेरी गुड चलिए क्या होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा रहता है अब देखते हैं क्या होगा आगे हम जब स्टडी करेंगे तब हम इसके क्लासिफिकेशन में भी यह चीजें देख पाएंगे इसमें क्या होगा जैसे कि इसमें जो लिंकेज बना रहे हैं समझ लीजिए ये है आपका ग्लाइकोन पार्ट यह क्या है ग्लाइकोन पार्ट और ये क्या है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये आपका है ए ग्लाइकोन पार्ट तो क्या करता है ये वाटर बना लेगा आप देख पा रहे हैं से ये क्या करेगा वाटर बना लेगा और ये वाटर क्या है निकल जाएगा जिससे कि यहाँ पे क्या लिंकेज बन गया यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे बन गया आपका ओ लिंकेज यही क्या कहलाएगा ओ ग्लाइकोसाइड अब आप आगे आप देख पाएंगे क्लासिफिकेशन में क्या होगा ओ एस एन सी इस टाइप का लिंकेज वाला ग्लाइकोसाइड आपको देखने को मिलेगा तो चलिए इरफान आपको क्लास का टाइमिंग नहीं पता है आप रोज थंबनेल नहीं देखते हैं आपको थंबनेल कब से दिया गया है रोज क्लासेस का जो टाइम है वही टाइम में हो रहा है ओके चलिए आगे चलते हैं क्या देखा हमने ये क्या होता है और होते हैं ये जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के इंट्रैक्शन से क्या बनेंगे ये बनते हैं देख पा रहे हैं यहाँ पे वाटर बनकर ये निकल गया और इसमें जो ग्लूकोज होता है मेनली इसका जो सुगर मार्टी होता है वो क्या होता है

तो अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं जैसे हमने एल्किलाइड में देखा था वैसे इसका बेसिक प्रॉपर्टी बात करें क्या होता है कलरलेस और क्रिस्टलाइन ये होते हैं जो इसका स्टैंडर्ड है बट कुछ कुछ स्पेशल टाइप के भी होते हैं जैसे एल्किलाइड में देखा था आपने देखा था ना याद कीजिए वैसे ही इसमें क्या होगा इसमें कुछ स्पेशल टाइप के करेक्टर भी होंगे जैसे कि एंथ्राक्यूनॉन जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो रेड और येलो कलर के होते हैं। और, है, है। और यदि वाटर में इनसोल्यूबल होता है क्लोरोफॉर्म एनीथर में, में तो ये तो बात हो गई इसकी प्रॉपर्टी की अब आती है मेन चीज जिससे क्वेश्चन आता है ऐसा ऐसा पॉइंट देखने वाले है जिससे कि क्वेश्चन आता है जो कि है इसके क्लासिफिकेशन ये जो आप क्लासिफिकेशन देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो इन सारी चीजों को ट्रिक के थ्रू आप चलिए देखते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो ओके तो अब यदि क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो हमने क्या देखा था कौन कौन सी चीजें देखी थी ग्लाइकोसाइड में ग्लाइकोसाइड में क्या होता है एक होता है ग्लाइकोन पार्ट होता है ना एक और इसका होता है लिंकेज ओके लिंकेज होता है और क्या होता है एक ग्लाइकोन पार्ट

तो तो में क्या आ रहा है एक और पार्ट, तो हम एक पार्ट हम, हम देखेंगे, क्योंकि हमें इसका यूज ही तो लाना है जब तक इसका यूज पता नहीं होगा तो क्या मतलब पढ़ने का तो उसके बाद क्या करेंगे हम थेरोपेटिक यूजेस के बेसिस में इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसमें से

ये सारे क्या है लिंकेज कैसे बनेंगे लिंकेज क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इनके बीच से चलिए देखते हैं कैसे इन दिस ग्लाइकोसाइड सुगर इज कनेक्टेड टू कार्बन एटम तो कार्बन एटम से क्या होगा सुगर अटैच होगा जिससे कि सी सी ग्लाइकोसाइड ग्लाइकोसाइड ये बनता है C बनेगा कैसे चलिए देखिए कैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या होगा यहाँ से जो एक पार्ट है और ये जो ग्लूकोज पार्ट है यहाँ पर से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल इसका निकल जाएगा ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल

तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो आप ये याद रखिए सी से आप क्या याद रख लीजिए ए सी सी सीमेंट ए सी सी सीमेंट आपने सुना है ए सी सी सीमेंट के नाम से आपने सुना है तो बस यही याद रखिए ए से आपको क्या याद रखना है एलो ए से क्या याद रखना है एलो सी से आपको कैस करा और सी से आपको कोकनियल याद रखना है और ये जो सी और बचा आपका सीमेंट जो कि क्या हो गया सी ग्लाइकोसाइड बस ए सी सी सीमेंट यही आपका ट्रिक रहेगा एसीसी सी सीमेंट से आपको अब बिल्कुल भी जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं सी ग्लाइकोसाइड कौन सा है तुरंत आपको याद करना है ए सीमेंट ध्यान उसके बाद इसका एग्जाम्पल आपको तुरंत ही याद हो जाएगा वेरी गुड चलिए तो वही, वही सारी चीजें ट्रिक में हैं जो आप आप सुने रहेंगे ये चीज से रिलेट कर पाएंगे उसके बाद आते हैं ओग्लाइकोसाइड ओग्लाइकोसाइड में भी वही होगा क्या किया जाएगा इसका जो यहाँ पे आप क्या करेंगे मेनली ये बात भी आप ध्यान रखिए ये बात भी आप ध्यान रखिए कौन सी बात जो सुगर मोइटी रहेगा वहां से जाएगा आपका ओ एच ग्रुप ओ एच ग्रुप कहाँ से जाएगा सुगर मोइटी से देन उसके बाद जो एच है वो जाएगा आपके ए ग्लाइकॉन पार्ट से तो यहाँ पे चला गया फिर से वॉटर फिर जो बचा वो है ओ जो कि क्या होगा फिनॉलिक ग्रुप इसमें क्या होता है अटैच रहेगा तो यहाँ पे बन गया आपका ओ ये सारी चीजें चले नहीं पूछेंगी मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ और आपको मेनली इसका एग्जाम्पल और, इस, और इसका एग्जाम्पल और इसका टाइप ही पूछा जाने वाला है ओके okay, तो यहाँ पे क्या हो गया ये ओ ग्लाइकोसाइड अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं

ऐसे आपको याद रहेगा रहेगा कि नहीं डिफिकल्ट है क्या बिल्कुल भी नहीं ओ आर एस आपने कई बार यूज किया है और यदि एग्जाम्पल पूछा भी जा रहा है तो, तो आपको ऑप्शन में ये सारी चीजें रहेंगी ही तो आप इजली से आइडेंटिफाई कर पाएंगे ओ आर एस ओके ओके वेरी गुड चलिए ओ आर एस पी लिए हैं आपने ठीक है उसके बाद एसिसमेंट हो गया उसके बाद आया आपका एस ग्लाइकोसाइड एस ग्लाइकोसाइड क्या होगा इसमें क्या होगा सल्फर और एस जो ग्रुप है वो जुड़ा रहेगा इसमें भी वैसे ही होगा यहाँ से वाटर निकल गया एस का लिंकेज बन गया तो ये क्या होगा एस एस फॉर क्या सिनीग्रीन ये तो आपको इसलिए याद रहेगा सिनीग्रीन किस में प्रेजेंट होता है ब्लैक मस्टर्ड सरसों सरसों जानते हैं ना

एन लिंकेज जो कि क्या हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड एन फॉर न्यूक्लियोसाइड और एन फॉर हो गया एन ग्लाइकोसाइड तो ये बहुत ईजी था कन्फ्यूजन आप दोनों में होंगे ही नहीं क्योंकि ये एस और एन से ही आपका इसका केमिकल कॉन्स्टेंट इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है बट सी और ओ में कन्फ्यूज हो सकते थे जिसके लिए हमने छोटा सा ट्रिक भी देख लिया चलते हैं हम आगे आगे भी बहुत सारी ट्रिक है उसको भी हमको जल्दी से कवर करना है चलिए आगे चलते हैं यहां तक क्लियर है यहां तक है, जल्दी बताइए फिर हम आते हैं इसके एग्जाइकॉन पार्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्लाइकॉन पार्ट से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है चलिए यहां तक क्लियर है आगे चलते हैं चलिए आगे चलते हैं क्या है आपका एक लाइकॉन पार्ट एक लाइकॉन पार्ट को पहले आप एक बार पढ़ लीजिए पहले एक बार हम सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं उसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे क्योंकि पहले ट्रिक देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसको हम क्या करेंगे स्टोरी के थ्रू याद रखेंगे ओके okay. <laughs> 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 क्या करेंगे स्टोरी के थ्रू इसको याद रखें रखेंगे क्या है पहला आपका एक लाइकॉन पार्ट के अकॉर्डिंग इसका हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं

वेंटोसैक्लाइट टर्टरपोनॉइड जो कि जिनसेंग लिक्वेरिस सेनेगा ये सारी चीजें ओके उसके बाद आते हैं ये सारी चीजें एक बार देख लीजिए उसके बाद इसका ट्रिक हम देखेंगे साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड क्या होता है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल है बिटर आलमंड वाइल्ड चेरी बार उसके बाद आता है आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड क्या आएगा आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड जो कि है ब्लैक मस्टर्ड एंड सिनिग्रीन ओके okay, उसके बाद आएंगे बकबीट जिनको और लिमरीन उसके बाद ग्लाइकोसाइड जो कि बीन ये सारी और ग्लाइकोसाइड जिसमें वेनिला वै, हो गया फिनोल ग्लाइकोसाइड जिसमें ग्लाइकोसाइड जैसे की पिकॉइजा ये सारी ठीक है अब चलते हैं चलिए अब इसका हम देख लेते हैं ट्रिक क्योंकि इसको आप ये टेबल आप जो देख पा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चलिए इसको हम ट्रिक के थ्रू करते हैं ट्रिक के थ्रू इसको हम देखते हैं <coughs> 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 जल्दी जल्दी एक बार देखते जाते हैं क्योंकि अभी हमारे जो भी क्वेश्चन है आप लास्ट में करिएगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हमको ग्लाइकोसाइड में स्टडी करना है ओके तो चलिए अब देखते हैं एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड में कैसे इसको हम याद रखें कैसे इसको याद रखें ये देखते हैं एक मिनट चलिए ट्रिक पे आते हैं क्योंकि ट्रिक से ही आपको याद रहने वाला है एक थी क्वीन ठीक है एक थी क्वीन क्या नाम की एक थी क्वीन सना नाम की सन की क्वीन थी जिसके पास क्या था कार था जिसके पास क्या था कार तो सी से आपको याद रखना है कैस करा ए से आपको याद रखना है एलो एंड आर से आपको याद रखना है रुबाब हाई फाई कार था तो आप हाई पेरिकम को भी इससे याद रख सकती हैं कौन थी एक थी क्वीन स्टोरी को कोरिलेट करते जाइएगा स्टोरी को कोरिलेट करते जाइएगा फिर आपको कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा ओके चलिए एक थी क्वीन ओके एक थी क्वीन सना नाम की जो कि क्या थी जिसके पास हाई फाई कार था तो आप एच से हाई को याद रखिए सी से कैस को और ए से एलो को आर से रुबाब को और कौन थी सना सना से आप सना को याद रख सकते हैं एक थी क्वीन से आप एके एक याद रहेगा इजी है याद रहेगा ओके तो आप ये याद, तो आप ये याद रख लिए अब आते हैं दूसरे में कार्डियक कार्डियक मीन क्या होता है दिल होता है कि नहीं को हम क्या कहते हैं दिल कहते हैं ना तो बस यही आपका क्या रहेगा दिल जिसका दिल दिल जो ये सना थी, उसका दिल क्या था दिल उसका क्या था दिल था उसका दिल क्या था था जिसके कारण उसको स्ट्रॉन्ग था जिसके कारण किल करना बहुत मुश्किल था किल करना क्या हो गया बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया ठीक है तो चलिए देखते हैं दिल से आपको डिजिटल याद रखेंगे ठीक है और दिल किसको कहते हैं कार्डिया की तो याद रहेगा तो क्या था इसका दिल बहुत स्ट्रांग था स्ट्रांग से आप स्ट्रोपेंथस याद रखिएगा देन उसका उसका से आप ओबेन याद रखिएगा था से आपको थिबेटिया याद रहेगा और किल करना मुश्किल था मीन्स स्किल आपको याद रहेगा कोई डिफिकल्ट है बिल्कुल भी नहीं कोरिलेट करते जाइए बिल्कुल कोरिलेट करते जाइए ओके आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड रहेगा बहुत इसमें ड्रग हैं। तो चलिए इसको हम बाद में में देखेंगे। पहले आते हैं इसका जो स्टोरी चल रहा है आगे, जिसमें साइनोजेनेटिक साइनोजेनेटिक आएगा। साइनो में क्या याद रखे? अब जो जो लड़की थी, जो थी, क्वीन वो लेने गई जंगल में। था बहुत कड़वा बीटर था बीटर था टेस्ट में और ये बिटर था इसीलिए कैसा हो गया पॉइजनस वो हो था कैसा था बिटर था इसीलिए पता चला वो पॉइजनस आपने सुना होगा साइनो साइनो ग्रुप जो होते हैं वो कैसा होता है साइनाइड क्या होता है पॉइजनस होता है ना तो बस आपको साइनो से क्या याद रखना है पॉइजनस आपको याद रखना है तो ये क्या था वो जो सना नाम की क्या थी जो क्वीन थी वो कहा गई थी जंगल गई थी जिसको आप जंगल को क्या जंगली आप वाइल्ड कहते हैं ना तो जंगल वाइल्ड क्या लेने गई थी चेरी तो वाइल्ड चेरी बार का आपको याद रहेगा जो कि कैसा था बिटर था कड़वा था बिटर आपको याद रहेगा और ये क्या था ये बिटर था इसीलिए कैसा हो गया जहरीला पॉइजनर जिससे कि आपको साइनोजेनेटिक ये याद रहेगा रहेगा याद आगे चलते हैं आगे क्या है अब उसकी एक फ्रेंड थी एक कौन थी ईसा थी ईसा थी उसकी फ्रेंड कौन थी ईसा थी ओके okay, जो की क्या थी बहुत अच्छा सिंगिंग करती थी क्या करती थी बहुत मस्त मस्त सिंगिंग करती थी तो ईसा थी सिंगिंग से आपको हाँ याद रहेगा और मस्त करती थी सिंगिंग कैसा करती थी मस्त तो आपको ब्लैक मस्टर्ड ये इज्ली से याद रहेगा ओके फिर आते हैं हाँ आगे अब इसकी जो फ्रेंड थी वो थी ईसा थी अब इसका फ्रेंड और था एक फ्रेंड था फ्रेंड से आपको एफ फ्लेवेनॉल याद रखना है so, Twelve, we nice so, uh -huh. क्या याद रखना है फ्लेवेनॉल फ्रेंड था वो कैसा था बहुत बकबक करता था बहुत ज्यादा बकबक करता था बकबक करता था जिसको सिला मारी बकबक करता था इसीलिए सिला मारी ठीक है कौन था फ्रेंड फ्रेंड से आपको फ्लेवेनॉल याद रखना है फिर बहुत बकबक करता था करके बक बिट याद करना है उसके बाद जिसको जिनको 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 आपको याद रहेगा जिनको सिला मारी सिला मारी से आपको सिला मारिन सिला मारी ना आपको याद ना रहेगा देखिए बहुत ज्यादा इजी है बहुत ज्यादा इजी है कोरिलेट बस करते जाइए मारी अब तो उसने पूछा क्यों मारी क्यों मारी क्यों मारी से आपको ग्लाइकोसाइड याद रहेगा क्यू मारी से रहेगा तो वो पूछती है क्यों मारी तो वो बोलती है अभी 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 बोलते हैं ना तो कुछ लोग क्या करते हैं वी को भी बोलते बी को वी बोलते हैं तो क्या हो गया अभी ए से आपको एम ई याद रखना है और वी से आपको विस्नागा तो अभी शोर कर रहा था शोर शोर से आपको सोरी लिया याद रखना है शोर कर रहा था तो तो से आपको टोन का भी याद रखना है मारी मारी से आपके मार आपको मारी से याद रह जाएगा ओके समझ आ रहा है क्लियर है आप क्यों मारी करके पूछेगी क्यों मारी तो आपको कि आप क्या बचाएंगे अभी अभी मीन्स अभी ओके तो ये क्या किया ये जो लड़का था जिसको मार पड़ी वो क्या करता है ऑलरेडी वेनिला खा लेता है वेनिला आइसक्रीम आपने खाया है वेनिला आइसक्रीम आपने खाया है ना तो बस वही जो क्या होता है ये जो ऑलरेडी ये जो लड़का है जिसको सीला मारी वो क्या करता है ऑलरेडी वेनिला का क्या करता है ये वेनिला का आइसक्रीम है उसको खा लिया रहता है क्या करता है ये ऑलरेडी ऑलरेडी से आपको ऑल से आपको एल्डिहाइड याद रखना है वेनिला वाला आइसक्रीम से आपको वेनिला याद रखना है वेनिलिन वेनिलिन आपको याद रखना है और इसके कारण अब उस लड़के को उसका जो फ्रेंड था उसको लड़कियां भी मार रही है ये वेनिला भी चुरा के खा लिया वेनिलिन को तो क्या करता है उसका जो फादर होता है फादर फादर आप कैसे याद रखेंगे फिनॉल फादर जो रहता है फिनॉल से आपको फादर याद रखना है जो फादर रहता है वो बहुत वरी करता है चिंता करने लग जाता है अपने लड़के का क्या करता है चिंता करने लग जाता है बहुत से आपको बियर याद रखना है और वरी से आपको बैरी याद रहेगा तो बियर बैरी किसका एग्जाम्पल है फिनॉल ग्लाइकोसाइड का ओके उसके बाद उसके बाद क्या आएंगे और क्या था

ऐसा अगर क्या आता है ना जिम बहुत सारे इसी प्रकार का रहता है बेटर गाय बेटर जिम तो यही बेटर गाय आपको गायकोसाइड याद रखना है क्या किया जिम जिम से आपको एग्जाम्पल इसका जिमनेमा जिमनेमा आपको याद रखना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिमनेमा इसे क्वेश्चन भी आता है कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है बिटर ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल तो आप याद रखिएगा बेटर गाय जिम जिम से आपको जिमनेमा याद रहेगा जिम में उसने डाला तो वो क्या किया पिक लेने लग गया जिम में ही क्या करते हैं बहुत लोग अपने आपको दिखाने के लिए पिक लेते रहते हैं ना जिम जाकर तो वैसे क्या किया ये पिक लेने लग गया चिंटू और सिया के साथ में चिंटू और सिया के साथ क्या करने लग गया पिक लेने लग गया चिंटू से आपको चिराता याद रखना है और सिया से आपको क्वाजिया याद रखना है जिसके कारण उसको क्या हो गया जेल जाना पड़ा अल्टीमेटली जेल से आपको जेन्सियन याद रहेगा अल्टीमेटली वो लड़का जेल चला गया जेन्सियन तो यही हो गया आपका ट्रिक ओके okay, यही हो गया आपका ट्रिक सो आप ये याद रखेंगे कोई कंफ्यूजन है बिल्कुल नहीं ऐसे ही आप स्टोरी बनाकर याद रखें उसके बाद आप एक बार आंख बंद करके अपना स्टोरी सोचें तो फिर आपको सब कुछ याद रहेगा कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं करना है आप सिंपल सा ये ट्रिक को रिलेट करते जाइए फिर उसके बाद आपको सारी चीजें याद रहेगा ये बहुत ही मुश्किल है कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कंफ्यूजन इवन आप क्या मैं भी अपने टाइम में बहुत कंफ्यूज होती थी तो मैं सोचती थी कुछ ट्रिक बना लूं कुछ ऐसी चीजें करूं जो मेरी डेली रूटीन में यूज होती रहे ताकि मुझे कुछ याद करना ही ना पड़े तो इस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाया था बहुत बहुत थैंक यू अल्ताफ रवि वे थैंक यू थैंक यू सो मच ओके चलते हैं तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा ये सारी टेबल भी आप याद रखिए इरफान सिया मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहां पे कंफ्यूजन हो गया आपको इस स्टोरी इस इस में सब कुछ क्लियर है स्टोरी एक बार और देख लीजिएगा इसकी रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही यूट्यूब में स्टोरी एक बार और देख लीजिएगा जैसे कि आपको ये स्टोरी के साथ आप स्टडी करेंगे क्लियर होते जाएगा अब इसका स्ट्रक्चर क्या है ये कैसे ये क्यू एल एक लाइकॉन है ये सारी चीजें जब हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे तब देखेंगे अभी तो डायरेक्टली हम क्या देख रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जिसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ये आप पूछ रहे हैं साइनोजेनेटिक में सिया क्या पूछ रहे हैं इरफान आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रही हूं बिटर बिटर ग्लाइकोसाइड बिटर ग्लाइकोसाइड क्या पूछ रहे हैं बिटर ग्लाइकोसाइड बिटर में मैंने बताया था ये बैटर ब्रिटेन में बताया था ना बेटर गाय जिम बेटर गाय जिम जिम से आपको जिम जिमनेमा याद रखना है और ये क्या करता है पिक लेता है पिक ले, पिक ले रहा था चिंटू और और सिया के साथ अच्छा आप ये पूछ रहे हैं क्वाजिया ये सिया आप पूछ रहे हैं ओ ओके ओ, ओ, चलिए क्वाजिया सिया करके याद रखिए यार सिया इतना तो आपको मिल रहा है क्वाजिया सिया क्वाजियां हो रहा है कि नहीं सिया क्वाजिया तो आप ये याद रखिए इरफान ऑल डाउट है कुछ कुछ प्रॉब्लम है इसमें देखिए क्वजिया और सिया ये सिया कौन थी लड़की थी चिंटू और सिया के साथ ये क्या किया पिक लिया इजी तो है इजी तो है क्या डाउट है ओके चलते हैं आगे अभी इसके केमिकल टेस्ट में भी आपको ट्रिक देखना है देखना है कि नहीं टाइम ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे ट्रिक बता पाऊंगी फिर क्या, कैसे क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर पाएंगी ओके चलिए और डाउट रहेगा उसको पूछते जाना ओके चलते हैं आगे आगे चलते हैं अभी और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रिक आने वाला है जो कि इसके केमिकल टेस्ट से और वो भी 110 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका केमिकल टेस्ट तो जिसको हम आगे देखने वाले हैं ओके okay, चलते हैं आगे चलिए और ये सारी ट्रिक ये सारी ट्रिक मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछो और कोई भूल गया तो सोचिएगा आपको मैं और ट्रिक फिर नहीं बताने वाली समझ लीजिए ओके okay, तो ध्यान से सुना कीजिए ओके okay, चलते हैं अभी आप फिलहाल और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो उसको एक बार ब्रीफली देखें उसके बाद आएंगे हम इसके टेस्ट की ओर और टेस्ट में भी हम इसका क्या देखने वाले हैं टेस्ट में भी हम केमिक, इसका ट्रिक देखेंगे ओके okay, चलते हैं आगे

फैमिली आपका बिटर बार्क, और में और एमी ये आता है एक बारी जल्दी से इसको देख जाइए ताकि आपको ये चीजें क्लियर रहे क्या होगा आपका जब एमसी क्यू से तो आपको याद रहे चलिए उसके बाद हम आएंगे इसके केमिकल टेस्ट में यहाँ तक आप क्लियर हैं यहाँ तक आप क्लियर हैं चलते हैं फिर आगे आगे और ट्रिक देखें चले आगे। क्लियर है चलते हैं फिर आगे मेथड जल्दी से देख लेते हैं फिर आएंगे इसके हम केमिकल टेस्ट में ओके इसको हम क्या करेंगे इसके

डालेंगे उसके बाद क्या करेंगे एल्कोहलिक जो सॉल्वेंट रहेगा इंजाइम पार्ट डीएक्टिवेटेड बाय हीट जो इंजाइम पार्ट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा हीट के थ्रू जल्दी से इसको देखते जाइए हमको एमसीक्यू भी स्टडी करना है जो जो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होगा मैं जल्दी से उसको निकालूंगी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम ज्यादा टाइम दे सके ताकि उसके बाद करेंगे इसको ट्रीटेड विथ लेड एसिडेड फॉर रिमूविंग दिनिन और नॉन ग्लाइकोसाइड इम्प्यूरिटीज जो नॉन ग्लाइकोसाइड अभी एक ग्लाइकोसाइड है एक जो प्लांट है जिसमें ग्लाइकोसाइड है तो ऐसा तो नहीं उसमें सिर्फ ग्लाइकोसाइड हो और सूरज थोड़ा स्लो पढ़ाऊं स्लो यदि पढ़ाने लग जाऊंगी तो फिर एमसी क्यू रह जाएगा आपका थोड़ा सा आ, मेरे साथ चले की कोशिश कीजिए क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी हम ये कंप्लीट करा सके ताकि दूसरा सब्जेक्ट भी देख पाए यदि कुछ डाउट होता है तो पूछिएगा ओके okay, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा स्लो पढ़ाने का यदि स्लो पढ़ाएंगे फिर ना क्या है एम क्यू रह जाता है आपका ठीक है चलिए थोड़ा स्लो चाहते हैं समझ नहीं आएगा वहां पे आप बताइएगा रिपीट भी किया जाएगा सूरज चिंता ना करें क्योंकि इसका जब एमसीक्यू सेशन होगा तो भी हम इसी सा, इन सारी चीजों को एक बार और रिवाइज करेंगे सूरज आप कंटिन्यू बने रहिए ताकि क्या है आपको और ये रिवीजन होगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फास्ट जा रहे थे करके ओके सबको क्लियर है सबको थोड़ा डाउट हो रहा है क्या स्लो करें क्लास थोड़ा स्लो जाए कि चलने फास्ट समझ आ रहा है ना जल्दी बताइए फिर हम आगे चलते हैं क्लियर <coughs> हो रहा है कि आगे चलें ओके okay, चलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी तो आप लोग को थोड़ा यदि फास्ट लगे तो आप एक बार और रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ओके okay, थोड़ा सा स्लो स्लो जाते हैं सही है चलिए थोड़ा सा जाएंगे उसके बाद और दूसरे दिन एमसीक्यू कर लिया करेंगे ओके okay, चलिए तो क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट लेंगे अब क्या होता है जो ग्लाइकोसाइड है ग्लाइकोसाइड में क्या होगा एक ही तो अब ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट नहीं होगा कोई भी प्लांट है उसमें एक ही केमिकल कॉन्सेंट नहीं प्रेजेंट रहता है हमने देखा था ना

उसके बाद जो फाइनल क्या होगा आपका क्रूड ग्लाइकोसाइड जो कि प्योरीफाई करेंगे फ्रैक्शनल सॉलिबिलिटी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक आपने देखा था ना केमिकल टेस्ट में केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ये सारी चीजें वैसे ही क्या करेंगे वही एमसीक्यू ही लेना है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही थी ओके चलते हैं चलिए समझ आएगा आपको चलिए चलिए आगे चलते हैं क्या था ये स्टार्स स्टार्ट तो मेथड इसको हम और देखेंगे चिंता ना करें देखेंगे एमसीक्यू का जब एक्सप्लेनेशन के साथ हम एमसीक्यू करेंगे जब आपका चैप्टर फोर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेंगे तो आप और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे ओके अब आते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चलिए अब छो, छोटा सा ट्रिक यहाँ पे भी देखते हैं डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ओके डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि, किलर कि टेस्ट टेस्ट किसके किसके लिए लिए परफॉर्म परफॉर्म करेंगे करेंगे आप और रेमंड रेमंड है वो लिए करेंगे? तो ये सारी चीजें भी डायरेक्टली पूछी जाती हैं हमने एल्क्यूलॉइड में भी देखा था एल्क्यूलॉइड में भी हमने देखा था ना ट्रिक के थ्रू वैसे ही क्या करेंगे यहाँ पे भी हम अब ट्रिक के थ्रू क्या करते हैं चलिए क्या करेंगे इसका जो टेस्ट है उसको रिवाइज करते हैं याद कर कोई प्रॉब्लम है आगे चले क्लास के एंडिंग में मैं क्या करूंगी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे अभी एक बार जो बोल रहे हैं कि थोड़ा फास्ट चलिए तो वैसे ही करते हैं फास्ट ही चलते हैं क्लास के एंड में एक बार और देख लेंगे ओके चलते हैं आगे चलिए मैं स्टार इन्फान स्टार मार्क हम लगाते हैं जो इम्पोर्ट जो इम्पोर्टेंट होते हैं मैं आपको कई बार ही कहती हूँ इसको कर लीजिए स्टार मार्क वो क्या होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है एग्जाम में आने लायक ओके चलिए अब इसका देखते हैं हम लोग ट्रिक आइडेंटिफिकेट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्डिया ग्लाइकोसाइड आपने जो देखा था दिल दिल देखा था ना दिल क्या था स्ट्रॉन्ग था ऐसा हमने देखा था तो यही ओके okay, चलिए तो कार्डिया ग्लाइकोसाइड क्योंकि डायरेक्टली पूछा ही जाता है तो ये स्पेसिफिकली जो टेस्ट है वो किसके लिए होता है कार्डिया ग्लाइकोसाइड के लिए होता है जो कि क्या है किलर किलानी टेस्ट लीगल टेस्ट टेस्टेट टेस्ट और क्या है आपका टेस्ट एंड टेस्ट, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट तो अब इसको याद कैसे करें याद कैसे करें तो समझ लीजिए चलिए क्या होता है हाँ चलिए तो क्या देखेंगे ये जो किड है किड को क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं हिंदी में बालक कहते हैं ना किड को क्या कहते हैं हम बालक कहते हैं ना वो बालक कैसा था बालक को क्या, क्या चाहिए रेमंड कंपनी रेमंड कंपनी का लेबल चाहिए भाई आजकल लेबल लोगो लोगों को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है लोगों के लिए क्या होता है लोगों को लोगो बहुत पसंद होता है, है ना हर चीज का लोगो देखते हैं तो ये भी किड जो है जिसको क्या कहते हैं हम लोग किड को बालक तो इस बालक को क्या चाहिए लीगल लीगल मीन्स क्या हो गया लोगो चाहिए लोगो किसका किसका रेमंड कंपनी का लोगो इसको चाहिए जो कि दिखने में कैसा है ये लोगो बहुत किलर है किलर किसको बोलते हैं आजकल की जनरेशन में जो बहुत सुंदर दिखता है बहुत अच्छा होता है उसको क्या कहते हैं भाई किलर लग रहा है ऐसा कहते हैं ना आप लोग मैंने कई बार ही सुना है इसीलिए मैंने सोचा इसी से मैं ट्रिक बना लू ओके तो कैसा होता है किलर दिख रहा है किलर किल्लर की लानी टेस्ट याद रहेगा किल्लर दिख रहा है पर अब उसको लेना है अब उसको किल्लर दिखने वाला ले, लेबल तो लेना है बट उसके लिए क्या चाहिए मनी जो कि उसके पास नहीं है मनी तो नहीं है क्या है एंटी मनी मनी तो है ही नहीं उसके पास ओके okay, मनी तो है नहीं मनी क्या है नहीं है तो चलिए अब इसी ट्रिक को अपने जो टेस्ट है उसके साथ कोरिलेट करते हैं कैसे कोरिलेट करेंगे कैसे करेंगे जो किड है किड से आपको कैट टेस्ट याद रखना है किड को आप क्या कहते हैं बालक बालक से आपको बालजे टेस्ट याद रहेगा रहेगा ना बालजे टेस्ट याद रहेगा और ये जो बालक है उसको क्या चाहिए इसको रेमंड रेमंड कंपनी तो आपको रेमंड टेस्ट याद रहेगा रेमंड कंपनी का क्या चाहिए लोगो चाहिए लोगो या लेबल कह सकते हैं लेबल जिससे कि आपको लीगल याद रहेगा याद रहेगा जो कि कैसा दिखता है बहुत किलर, बहुत अच्छा दिखता है तो किलर से आपको किलर खिलानी टेस्ट याद रहेगा और उसके पास बट ये लेने के लिए पैसे नहीं है एम्प्टी पॉकेट उसका क्या है मनी नहीं है तो क्या हो गया एंटी मनी टेस्ट बहुत ही इजी है बहुत इजी है बिल्कुल भी बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी होगा भी नहीं इतना इजी टेस्ट है इतना ही ज्यादा इजी ट्रिक भी है ठीक है ओके चले आगे आप कैसा था याद रहेगा इसका जो भी नाम है जो भी नाम है आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए अब कभी भी पूछा जाए कार्डियो ग्लाइकोसाइड वाला ग्ला, कार्डियो ग्लाइकोसाइड के लिए कौन कौन सा टेस्ट है आपको तुरंत ही कौन सा याद करना है ट्रिक याद करना है कौन सा टीक? ट्रिक ट्रिक आपका जो कैड किड था जिसका क्या था जिसको हम बालक कहते हैं जिसको चाहिए रेमंड कंपनी का लेबल चाहिए जो कि क्या है किलर है दिखने में पर उसको लेने के लिए उसके पास मनी नहीं है एंटी मनी यह था आपका सिंपल सा ट्रिक सिंपल सा क्या था ट्रिक था ओके चलिए ये याद रहेगा थैंक यू अलताफ चलिए तो अब चलते हैं टेस्ट ओर हल्का ब्रीफली हम टेस्ट देख लेते हैं क्योंकि मेनली ज्यादातर इसका जो टेस्ट है वो किसके लिए परफॉर्म होता है यही पूछा जाता है इसके अंदर की जो भी कहानी है वो ज्यादातर नहीं पूछी जाती तो उसके लिए आप चिंता ना करें ब्रीफली एक बार देख लीजिए कि कौन सा कलर आता है जो इम्पोर्टेंट था उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक आपको ऑलरेडी बता दिया है ओके okay, चलते हैं अब आगे ओके गजेंद्र स्क्रीन ले लीजिए आप लोग ठीक है चलिए जो इम्पोर्टेंट था उसका हम लोग क्या किए ट्रिक देख लिए चलिए ट्रिक जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ले लें ओके okay, चलिए देखिए जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कल कल या परसों कोई कह रहा था ना मैम ट्रिक बताइए आप आपने बोला था ट्रिक बताएंगे तो मैंने जैसा प्रॉमिस किया है मैंने हर क्लास में कुछ ना कुछ ट्रिक बताया है बताया है कि नहीं मैंने कुछ गलत प्रॉमिस किया नहीं ना बिल्कुल भी गलत प्रॉमिस नहीं किया ट्रिक के थ्रू आपको हर कुछ बता रहे हैं ना हर क्लास में हम कुछ ना कुछ ट्रिक देखते हैं चाहे वो केमिकल क्लासिफिकेशन से हो या फिर वो केमिकल टेस्ट से ओके okay, तो हम लोग ये सारी चीजें देखते ही हैं बट आपने क्या कहा था आपने कहा था कि नेक्स्ट डे से हंड्रेड की स्ट्रेंथ रहेगी बट है क्या आज देखिए संडे है पर भी हंड्रेड का स्ट्रेंथ नहीं है आज कौन से आप बहाने देंगे कौन सा आपको चीज है जो कि रोक रहा है क्लास के लिए बताइए आप ट्रेनिंग संडे को नहीं जाते हैं संडे को सबकी सब छुट्टी रहती है तो आज तो एटलीस्ट आपको हंड्रेड का स्ट्रेंथ होना चाहिए होना चाहिए ना तो देखिए आप खुद क्या करें एक्टिव नहीं है अपने एग्जाम के लिए ये ऐसा नहीं है कि एग्जिट एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है आपको ये सारी ट्रिक ये सारी चीजें आपको हमेशा या काम आने वाली है आपका जो भी एग्जाम हो आपका जो फार्मासिस्ट एग्जाम है उसमें भी क्या ग्लाइकोसाइड से क्वेश्चन नहीं आ सकते आएंगे ही ना थैंक यू रवि तो ये सारी चीजें क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको इसमें ध्यान देना चाहिए ही चाहिए देना चाहिए ना चलिए आगे चलते हैं और क्या हुआ चलिए अब इसके टेस्ट को ब्रीफली देख लेते हैं तो क्या करेंगे वन ग्राम ड्रग लेंगे जिसको सेवेंटी परसेंट एल्कोहल के साथ टू से फाइव मिनट टू से थ्री मिनट करेंगे फिर तो उसको लेड एसिडेट के साथ क्या करेंगे मिक्स करेंगे और ग्लाइसियलिटिक एसिड नियोजन लेंगे जिससे कि क्या होता है ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर करेंगे टेस्ट ट्यूब में टू एम एल कॉन्सेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर के साथ जिससे कि रेड ब्राउन कलर देगा और अल्टीमेटली ब्लू कलर का ये देता है बस ये याद रखिए जो कि किलर किलानी टेस्ट है वो किसके लिए होता है डिजी टक्सो सुगर के लिए ये क्वेश्चन ये सारी चीजें तो नहीं पूछी जाती मेनली मेनली आपको पूछा जाएगा कि किलर खिलाने टेस्ट है वो किसके लिए परफॉर्म करते हैं आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें से आपको डिजी टक्सो सुगर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप याद रखिएगा ओके हाँ चलिए

जो कि क्या होता है येलो और ऑरेंज कलर ये प्रोड्यूस करता है और ये याद याद रखिए अभी एक्टिविटी तो परफॉर्म करता है ये जो आगे बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको ध्यान से सुनिए क्या होता है ये जो डिजिटेलिस परफॉर्म करता है बट कुछ तो ऐसा चीज होगा उस तो कारण होगा जिसके कारण ये हमारे हार्ट पर एक्ट कर पाता है कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी रखता है क्यों रखता है क्योंकि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिंग इसमें प्रेजेंट होता है क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिंग इसमें प्रेजेंट रहता है ये रिंग सिस्टम हम सारी चीजें देखेंगे जब डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर में अभी से आप सारे स्ट्रक्चर देख लिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो अभी ये याद रखिएगा कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिंग के कारण ये कार्डियक एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो ये जो लेक्रॉन रिंग है उसका कैसे आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिंग है कि नहीं वो आप करेंगे यही बालजेट और कैटेस्ट बालजेट और टेस्ट किसके लिए होता है आप समझ लीजिएगा ये क्या है सुगर पार्ट जो कि आपका डिजिटक् जिसके लिए होता है किलर किलानी टेस्ट और, और यदि हम बात करें इसके एक लाइकॉन पार्ट जो कि क्या था इसका जो लेकॉन रिंग जिसमें प्रेजेंट होगा वो क्या है उसके लिए कौन सा टेस्ट होगा वो होगा बालजेट टेस्ट एंड केट टेस्ट तो ये सारी चीजें आप कर लीजिए स्टार मार्क बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें जो है ये ओके उसके बाद आती है रेमन टेस्ट इसमें क्या होता है इसमें होगा डिजिटल इसको 50 परसेंट सी टू एच फाइव के साथ क्या करेंगे मिक्स करेंगे फिर नाइट्रोबेजिन कर ऐड करेंगे 20 परसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे फिर ये वायलेट कलर देता है

ट्राई एसिड लेंगे जिससे कि क्या होगा ब्लू कलर परफॉर्म होता है तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा क्या होता है किलर टेस्ट किसके लिए होता है डीजीटक्सोगर के लिए कैट टेस्ट और लीगल टेस्ट किसके लिए होगा कैट टेस्ट और बाइजर टेस्ट किसके लिए होगा लैपटॉन रिंग के लिए क्लियर है आगे चलते हैं हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है देख पा रहे हैं आप टाइम होते जा रहा है चले आगे फिर हम इसको रिवाइज भी किया करेंगे आगे आगे चलते हैं आगे आपका और टेस्ट है बहुत सारे क्या हमने देखा था एक लाइक ऑन पार्ट देखा था ना जिसमें से आज मैं आपको इंपोर्टें, इंपोर्टें जो केमिकल टेस्ट है वही बता रही हूँ जैसे कि कार्डिया ग्लाइकोसाइड के लिए हो गया एंथ्रागिन ग्लाइकोसाइड के लिए हो गया उसके बाद हम जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखते जाएंगे ओके चलते हैं आगे कौन सा हो गया अब आते हैं एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल जल्दी बताइए जल्दी अब आप बताइए एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल हमने अभी कहाँ देखा था हमने एक लाइकोन पार्ट की क्लासिफिकेशन में देखा था ट्रिक बनाया था चलिए अब जल्दी से बताइए ट्रिक का कोई मतलब हुआ कि नहीं जल्दी से आंसर कीजिए फिर हम इसके टेस्ट में आएंगे एंथ्राकिनोन एक थी क्वीन एंथ्राकिनोन एक एक थी क्वीन सेलो कैसे करो वेरी गुड वेरी गुड चलिए तो देख पा रहे हैं आप देखिए थ्रू याद कर रहे हैं तो सारी चीजें आपको याद है अब इतनी सारी चीजें पढ़ लिए पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ वेरी गुड सोनाली अभी से ऋतुजा अर्पिता वेरी गुड इरफान बहुत अच्छे बहुत अच्छे ओके चलते हैं आगे किसमें आ गए हम बॉर्न ट्रिगर टेस्ट जो कि किसके लिए ये सारी चीजें भी आप चलिए स्टार मार्क करते जाइए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं आगे चलते हैं जल्दी ओके कौन सा टेस्ट आया आपका टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड एंत्रकीनौन... सपना वेरी गुड ठीक है अब, अब बताइए ओ, ओ वाला ग्लाइकोसाइड ओ ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल दीजिए जल्दी कौन सा ट्रिक बताया था मैंने कौन सा ट्रिक बताया था ओ ग्लाइकोसाइड को याद करने के लिए इसका एग्जाम्पल दीजिए तब इसका हम टेस्ट आएंगे टेस्ट में आएंगे बताइए कौन सा ट्रिक था ओग्लाइकोसाइड के लिए अब इसे एक वेरी गुड हरसाली बलराम सोनाली रणवीर वेरी गुड बच्चों बहुत अच्छा बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग क्या होता है ओ आर एस ओ आर एस ओ आर एस यही ट्रिक था किसके लिए ओ ग्लाइकोसाइड के लिए तो अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे इसका हम टेस्ट करेंगे टाइगर टेस्ट भी पूछ लिया जाता है जो कि क्या होता है एंथ्राकिनोल ग्लाइकोसाइड के लिए किया जाता है तो चलिए कोरिलेट कर लीजिएगा एड सैंपल ड्रग डायलूक्ट एच टू एस एच टू एस ओ फोर के साथ क्या करेंगे सैंपल ड्रग को हम ऐड करेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज के थ्रू चलिए देखते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आते जाए क्या करेंगे सैंपल के साथ हम क्या करेंगे H2SO4 को ऐड करेंगे फिर क्या करेंगे बॉइल करेंगे टेन मिनट के लिए देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया इसको बॉयल कर लिया बॉइल कर लिए उसके बाद क्या करेंगे ऐड करेंगे बेंजिन एंड क्लोरोफॉर्म इसमें हमने बेंजिन और क्लोरोफॉर्म ऐड कर दिया फिर क्या करेंगे फिर क्या, क्या इसमें ऑर्गेनिक लेयर क्या होगा सेपरेट हो जाएगा इस प्रकार से और क्या करेंगे इसको हम ऐड करेंगे अमोनिया और उसके बाद करेंगे इसको सेक अच्छे से इसको क्या करेंगे क्या बोलते हैं ना सेक बिफोर यूज वैसे ही क्या करेंगे यहाँ पे सेक करेंगे इसको तब क्या होगा जो अमोनिकल लेयर है यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो अमोनिकल लेयर है वो पिंक टू रेड कलर का यहाँ पे देख पा रहे हैं ना पिंक टू रेड कलर का लेयर बन गया है तो यही अमोनिकल लेयर है जो कि ऐसा डायरेक्टली पूछा जाता है याद रखिएगा इसीलिए हमने क्या किया इमेज के थ्रू बताते हैं ताकि आपको क्या है? आप आप इमेज याद रखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा आंख तो तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता, है. पूछ लिया जाता है, कि अमोनिकल लेयर, जो है उसमें अमोनिकल लेयर कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है तो पिंक टू रेड कलर प्रोड्यूस करता है ओके okay, क्लियर है चलते हैं आगे ओके okay, आगे चलती है कौन था और सेकंड टेस्ट है आपका सेकेंड टेस्ट है आपका मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर अब आंसर दीजिए सी ग्लाइकोसाइड के लिए कौन कौन सा बताया था मैंने जल्दी बताइए कौन कौन सा ट्रिक ट्रिक बताया था ट्रिक बताइए सी ग्लाइकोसाइड वाला ट्रिक बताइए सी ग्लाइकोसाइड के लिए ट्रिक बताइए री गुड बहुत अच्छे वेरी गुड अभिषेक अर्पिता सपना नारायण सब सब बहुत अच्छे चलिए क्या था एसीसी सीमेंट एसीसी सीमेंट इसका ट्रिक था आपको याद रहेगा वेरी गुड याद रहेगा सी ग्लाइकोसाइड कौन सा है एलो कैसकर ठीक है चलिए इसके लिए क्या होता है इसके लिए होता है मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट मॉडिफाइड ये याद रखिएगा ये चीजें याद रखिएगा आपको पूछा जाएगा अब मॉडिफाई किया गया है तो कुछ चीजें इसमें मॉडिफाई होगी तो कौन सा वो चीज़ है जो मॉडिफाई हो गया तो यहाँ पे आपका जो फेरिक क्लोराइड है आपका जो एफ है वही आपको एड करना है यहाँ पे क्या करना है एफ ई सी एल थ्री यहाँ पे एड करना है एस सी एल के साथ यही आपका मॉडिफाइड ब्राउंड टाइगर टेस्ट है जनरली आपको एग्जाम्पल में यही पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि मॉडिफाइड ब्राउंड टाइगर टेस्ट का रीजन क्या है तो आपको एफ ई सी एल थ्री और एस सी एल याद रखना है इसमें भी क्या होता है इसमें भी हार्मोनिकल लेयर जो है वो रोज पिंक टू चेरी कलर आपको देता है तो बस मॉडिफाई क्या हुआ इसके रिएजेड में जो कि किसके लिए था सी ग्लाइकोसाइड के लिए और ब्रॉन टेगर टेस्ट किसके लिए था ब्रॉन टेगर टेस्ट था ओ ग्लाइकोसाइड के लिए ओके चलिए आगे चले चलते हैं आगे आप यहाँ पे याद रखिएगा ब्रॉन टेगर ओ ठीक है ओ ओ से आप याद रखिएगा जैसे कि बी बी के बाद जस्ट क्या आ रहा है ओ तो ये होता है ओ ग्लाइकोसाइड के लिए और मॉडिफाइड में पहले क्या है मॉडिफाइड वर्ड आ जा रहा है कुछ अलग है तो यहाँ पे आप इसलिए से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ये सी ग्लाइकोसाइड के लिए बट पहले यदि बोन टेगर पहले देख लिए तो वो ओ, ओ आप याद रखिएगा तो चलते हैं नेक्स्ट आगे चलते हैं हमको एम भी सॉल्व करना है करना है ना चलते हैं आगे

तो चलिए इसका, की उसके बेसिस में इसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं तो क्या था सेन्ना? सेन्ना कैसे यूज होता है बिटर टॉनिक और ये भी वही है होगा। ये सारे क्या है लेग और ड्रग के अंडर आते हैं डिजिटल तो आप जानते हैं कार्डियोटोनिक की तरह यूज होता है जिमनेमा क्या है जिमनेमा बीटर बिटर टॉनिक की तरह अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है बिटर टॉनिक है जिमनेमा क्या है बिटर टॉनिक है और एंटी डायबिटिक डायबिटीज को क्या कहते हैं सुगर की बीमारी कहते हैं ना सुगर हो गया है कहते हैं ना तो आपको क्या याद रखना है सुगर है तो उसके लिए सुगर क्या होता है मीठा तो उसके लिए क्या चाहिए आपको बिटर बिटर चीज उसको ट्रीट करेगा जो कि है आपका जिम्नेमा ओके ऐसी आप याद रखिए कोरिलेट करके पवन थैंक यू ओके okay, चलिए फिर आते हैं जीसिंग जींसिंग में क्या होगा इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है ये और एंटी डायबिटिक की तरह भी ये भी यूज होता है क्यों नहीं होगा इसको भी तो हम लोग बीटा ग्लाइकोसाइड में देखा ही था देखे थे ना अब आते हैं लिक्योरिस, लिक्योरिस एज एक्सपेक्टोरेंट ये सारी चीजें देख रहे हैं आप लिक्योरिज एक्सपेक्टोरेंट ये हम फार्माकोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन देखे थे उस टाइम भी हमने ये देखा था देखा था ना वही वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है वही वही चीजें आप याद करें आपको रटा जाना चाहिए वो याद ही रहेगा ओके आते जो कि क्या है एज एक्सपेक्टोरेंट कैपिलरी ब्लीडिंग में यूज होगा और सोरेलिया क्या होगा ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी एंड चिराता यूज होता है बिटर टॉनिक प्रिपरेशन ऑफ सुदर्शन पाउडर बिटर टॉनिक सुदर्शन पाउडर नाम से आता है आपने आप जानते भी होंगे ये चीज जिसमें क्या होता है चिराता मिक्स रहता है चिराता से वो बनता है तो चलिए अब आते हैं आपके क्लास का टाइम हो गया है जो भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद डाउट रहेगा तो क्या करेंगे यदि टाइम ज्यादा हो जाएगा स्क्रीन शॉट लेने देते हैं ओके क्या करेंगे टाइम ज्यादा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसका आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा एक बार हल्का सा रिवाइज भी कर लेंगे चलिए जल्दी से आप कर लिए स्क्रीन शॉट फिर आएंगे इसके एमसीक्यू पोर्शन में चलिए तो चले अब एमसीक्यू की ओर आते हैं क्लाइकोसाइड का क्या करें एमसीक्यू देखते हैं चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं

इसी वीडियो में हमने इसी क्लास में देखा था वेरी गुड चलिए आगे चलते हैं किलर किलानी टेस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन आया किलर किलानी टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने देखा था किलर किलानी टेस्ट याद कीजिए ऑप्शन ए है कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऑप्शन बी है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड ऑप्शन सी है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड एंड ऑप्शन डी है बिटर ग्लाइकोसाइड जल्दी से आंसर कीजिए वेरी गुड चलिए वेरी गुड कार्डिया ग्लाइकोसाइड के लिए होता है केला किरानी टेस्ट <coughs> इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ग्लाइकोसाइड चलिए क्वेश्चन थर्ड है आपका फॉलोइंग आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है चलिए बताइए ऑप्शन ए है रेमन टेस्ट ऑप्शन बी है क्लोरोफॉर्म टेस्ट ऑप्शन सी है म्यूरोक्साइड टेस्ट ऑप्शन डी है ड्रैगन डॉर टेस्ट चलिए इसका आंसर कीजिए चलिए वेरी गुड प्राची जितेंद्र गजेंद्र अभिषेक सपना बहुत अच्छे बहुत अच्छा जा रहे हैं आप चलिए इसका आंसर क्या होगा रेमंड टेस्ट हमने देखा था क्या चाहिए था उस बाला को रेमंड कंपनी का लोगो चाहिए था वेरी गुड चलिए ये सारी चीजें हम फिर और देखेंगे चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन विच टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्रोक्यूनॉन ग्लाइकोसाइड एंथ्रोक्यूनॉन ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं फर्स्ट है चलिए, question, uh, first option है modified brown tiger है है आपका लिबर वन टेस्ट चलिए जल्दी से आंसर कीजिए इरफान वेरी गुड अभिषेक बलराम एकता बिल्कुल बिल्कुल आज ही एमसीक्यू पूरा कंप्लीट कर आते हैं चलिए चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा जैसे कि हम और एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करा सके वैभव पाटिल सिर्फ बॉन्ड टैगर कैसे होगा चलिए वेरी गुड वेरी गुड इसका आंसर क्या होगा बहुत ए एंड बी जो एंथर की ग्लाइकोसाइड होता है उसके लिए क्या करते हैं हम दोनों टेस्ट लगाते हैं वो तो बात की बात है कि सी ग्लाइकोसाइड और ओ ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा परफॉर्म करेंगे चलिए आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन परगेटिव एंड लेग्जेटिव एक्शन इज सो सोज बाय परगेटिव वैक, और लेग्जेटिव एक्शन किसके कौन से डक के से सो होता है अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे ना उसी से क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन ए है रूबा ऑप्शन बी है कैस ऑप्शन सी है एलो एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द बुक तो चलिए इसका आंसर कीजिए वेरी गुड वेरी गुड चलिए ऑल ऑफ दुड रूबा लोग आप अभी नहीं जान पाएंगी. ये हमें नहीं हम आगे स्टडी करेंगे चलिए पहले देखते हैं सेवन नंबर का क्वेश्चन ग्लाइकोसाइड आर यूज एज बिटर टॉनिक की तरह कौन सा यूज होता है फिर से आया क्वेश्चन कहा से क्वेश्चन आया आपका फिर से आया थेटिक क्लासिफिकेशन से चलिए ऑप्शन ए है वाइल्ड चेरी बार्क ऑप्शन बी है पिक्रोइज़ा ऑप्शन सी है डाइस्कोरिया एंड ऑप्शन डी है लिक्वेरिस चलिए इसका आंसर जल्दी से कीजिए टॉनिक बिटर टॉनिक चलिए आगे देखते हैं ये क्वेश्चन आई थिंक मिस्टेक है चलिए आगे जाते हैं क्योंकि है, है, यूज़ होता है। में आते हैं, बेसिक ये भी आप नहीं बता पाएंगे, अभी हमने स्टडी नहीं किया है आगे जब हम इसका क्या करेंगे ग्लाइकोसाइड का और डिटेल से स्टडी करेंगे तो ये सारे और क्वेश्चन हैं, अभी आप सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं जिससे कि आपको क्लियर होते जाएगा ये सारे क्वेश्चन

आप यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बहुत लोग ए बोल रहे हैं बहुत लोग तो आपको कम से कम कार्डियोनोल और क्यूमेन के बारे में ट्रिक पता है तो आप इतना तो जान सकते हैं जो कि छोटा बचा वो क्या होगा सेपोनिन होगा करके इतना इतना आपको आइडिया हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना हो सकता है कि नहीं बताइए आपने कार्डियोग्लाइकोसाइड के लिए ट्रीट देखा था एंथ्राकिनोन के लिए देखा था क्यूमेन के लिए भी देखा था पर भी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं फिर भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्या होगा लिक्योरिस डाइस्कोरिया, सतावरी ये सारे क्या होते हैं सेपोनिन में आते हैं सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है ये चलिए थोड़ा सा थोड़ा सा शांति से सोचिए सोचिए जब भी क्वेश्चन आप देखें थोड़ा सा शांति से पहले आप यदि ऐसा सोचते हैं इस क्वेश्चन को देखते ही आप ऐसा सोचते यदि कि कार्डियो ग्लाइकोसाइड का क्या ट्रिक देखा था वो आप याद करते थोड़ा सा सोचते फिर यदि आप याद करते नॉन का हमने देखा था वो सोचते उसमें आप ट्रिक लगाते फिर आपको समझ आ जाता ये भी रॉन्ग है क्यूमेन का ट्रिक लगाते ये भी जान लेते कि रॉन्ग है फिर आपको बच जाता है सेपोनिन तो आप इससे ऑब्वियसली जान जाते कि सेपोनिन इसका सही आंसर है ऐसा थोड़ा सा आपको घुमा के पूछेगा ही पूछेगा तो उन सब के लिए प्रिपेयर रहे उन सब के लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू इसी प्रकार से सॉल्व करें जिससे कि आपका क्या है कंफ्यूजन कम होते जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा है फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डिय ग्लाइकोसाइड ग्लाइकोसाइड का कौन सा एग्जाम्पल है चलिए आप ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल से आप देख लिए थे आप ट्रिक इसके लिए तो ट्रिक देखा ही है तो आपको यह याद रहेगा ऑप्शन ए है डिजिटलिस ऑप्शन भी है ओपीएम ऑप्शन सी है एलो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर वेरी गुड चलिए जिसका जिसका ट्रिक था उसको आप इजली बता पा रहे हैं तो जिसका ट्रिक नहीं है उसको भी आप इजली से याद रखें चलिए वेरी गुड चलिए डिजिटल इसका आंसर है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन द ग्लाइकोसाइड विच इज फोर्ड इन प्लांट इट सेल्फ इज बिलीव्ड टू पार्टिसिपेट इन हम्म चलिए जल्दी से बताइएगा इसका भी आंसर ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे आप फंसने के चांसेस है चल दिए चलिए इसका आंसर अब जो देगा वो बहुत ही इंटेलिजेंट समझ लीजिएगा ओके चलिए जल्दी बताइए द ग्लाइकोसाइड विच इज फाउंड इन द प्लांट इट इज बिलीव्ड टू पार्टिसिपेट इन ग्लाइकोसाइड जो किस किस फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है प्लांट में प्लांट में किस अभी तो हमने, हमने में देख रहे थे, प्लांट एंड ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट चलिए यहाँ पे आप फंसे तो मीन्स आप नहीं समझ पा रहे हैं चलिए आगे चलिए जल्दी आंसर कीजिए इसका आ, मुझे पता ही था मुझे पता ही था सब आप फंसेंगे इसमें सब आप फंसेंगे इसमें पता ही था चलिए इसका आंसर देखें आंसर देखें क्या हाँ सपना मैं समझ पा रही हूँ क्यों नहीं समझ आया चलिए इसका आंसर देखते हैं फिर बताती हूँ क्यों समझ नहीं आया मुझे पता ही था आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएंगे क्या होता है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है पहले ध्यान से सुनिए क्या पूछा जा रहा है ग्लाइकोसाइड द ग्लाइकोसाइड विच इज फाउंड इन प्लांट प्लांट में पाया जाता है इट सेल्फ प्लांट में कौन सा पार्टिसिपेट कौन से एक्शन के लिए पार्टिसिपेट करता है मैंने क्या बताया था याद कीजिए ग्लाइकोसाइड क्या है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है ग्लाइकोसाइड और ये क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं जल्दी बताइए सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं बस यही चीज आपको यहाँ पे कोरिलेट करना था क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं मैंने बताया था डिफेंस का, का काम करेंगे मेन एक्शन जो है वो प्राइमरी जो होंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट मेन फंक्शन परफॉर्म करेंगे और जो प्रोटेक्शन का रहेगा जो प्रोटेक्शन का रहेगा वो काम कौन करता है वो करता है सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड तो यदि ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया तो आपको तुरंत जान जाना है क्या है प्रोटेक्शन और डिफेंस का काम करता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझ पा रहे हैं अब आपको क्लियर हुआ Clear हुआ थोड़ा सा ध्यान से पढ़िया पढ़ा कीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा कोरिलेट करने का कोशिश कीजिए कि पूछा क्या जा रहा है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन चलिए पांच दस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया पर कुछ तो मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा और यही मुश्किल क्वेश्चन आपको रैंक दिलाएंगे यही मुश्किल क्वेश्चन आपको सेलेक्शन करवाते हैं तो ये सारी चीजें भी आप थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रखिए ठीक है चलते हैं आगे चलिए आगे चलते हैं

9:30 होते ही आप क्लास में सब कोई ज्वाइन हो जाइए ताकि हम जल्दी से रिवाइज करें और यदि लेट हुआ तो मैं आगे क्लास को आगे बढ़ा दूंगी जो टैनिन लाइकोसा टैनिन रेजिन या वोलेटाइल ऑयल जो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं वो स्टार्ट करा दूंगी रिवाइज नहीं कराऊंगी तो आप 9:30 पे आ जाइए तभी जाके रिवाइज होगा आपका ट्रिक समझ पा रहे हैं ठीक है चलिए वेरी गुड चलिए इसका आंसर क्या था इसका आंसर होगा आपका ग्लाइकॉन पार्ट वेरी गुड क्यों क्यों ग्लाइकॉन पार्ट होगा हमने क्या देखा था ये जो ग्लाइकोसाइड है वो क्या होता है दो चीजों से मिलकर बनता है एक आपका ग्लाइकॉन पार्ट और एक होता है आपका ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है ना होता है ओके okay, चलिए ये जो ग्लाइकोसाइड है ये जो ग्लाइकोसाइड है ये क्या होता है ये टूटता है ये जो ग्लाइकोसाइड है वो उसका हम क्या करेंगे वाटर मान लो हाइड्रोलाइसिस किए तो ये क्या होता है ग्लाइकोसाइड ग्लाइकॉन पार्ट और एक ग्लाइकॉन पार्ट में टूट जाता है जो कि क्या होता है ये जो ग्लाइकॉन पार्ट है वही क्या कराता है फैसिलिटेट करता है जॉबसन को इसके साइड ऑफ एक्शन में क्या करेगा ट्रांसपोर्टेशन करेगा और ये जो ये जो एक ग्लाइकॉन पार्ट है ये क्या करता है ये मेन एक्शन परफॉर्म करेगा ये क्या होता है आपका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी यही एक ग्लाइकॉन पार्ट परफॉर्म करता है तो यही था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ग्लाइकोसाइड वेरी गुड सब क्लियर है चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जो भी डाउट है आप लिख के रखिए कल के क्लास स्टार्ट होते ही आप ज्वाइन हो जाइए यदि आप लेट करेंगे फिर हम आगे क्लास में बढ़ जाएंगे ओके तो जो भी डाउट है इसके रिगार्डिंग इसका जो भी ट्रिक हमने आज तीन चार ट्रिक देखा है तो ऑब्वियस सी बात है आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम क्लास स्टार्ट होते ही हम उसको रिवाइज फिर से कर लेंगे और अच्छे से उसको समझ लेंगे ताकि कोई डाउट बचे ही ना और वो हमेशा के लिए हमको याद रहे चलते हैं ओके okay. पी मिलेगा इरफान चिंता न करें हम हम लोग उसी पे वर्क कर रहे हैं आपका जो प्लेलिस्ट बनाना है आपका पीडीएफ उसी पे वर्क चल रहा है आप ही के लिए पूरा काम किया जा रहा है आप बिल्कुल भी परेशान ना हो बस क्लासेस कंटिन्यू करिए जितना ज्यादा आप क्लासेस करेंगे चीजें आपको क्लियर होंगी और सारी चीजें तो मिलती ही जाएंगी ही तरुण, तरुण आप, आप जीडीसी ग्रुप में ज्वाइन है कि नहीं जीडीसी ग्रुप में यदि ज्वाइन होंगे तो आपको शेड्यूल आपको वहां पे मिलता ही है यूट्यूब जो आप आप देखते होंगे के यूट्यूब चैनल में आप आते हैं तुरंत ही आपको थंबनेल दिखता होगा जिसमें चार क्लास की शेड्यूल रोज का रोज वही क्लास चल रहा है चार क्लास की शेड्यूल दिया ही गया है तो उसी के अकॉर्डिंग क्लास हो रही है आप बिल्कुल कंटिन्यू रहे रोज की क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप देख पा रहे होंगे रोज हम कुछ ना कुछ ट्रिक देखते ही है सब क्लास में एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है सूरज क्लास और ज्यादा पहले रखें फिर बच्चे ज्वाइन नहीं होते हैं आप लोग ज्वाइन नहीं होते हैं आ, कुछ को प्रॉब्लम था आठ बजे ज्वाइन बजे क्लास लेट हो रहा है तो कैसे करें मैनेज करना पड़ पड़ रहा है वही है चलिए चलते मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में चलिए अच्छे से आप स्टडी करिए थैंक यू राज चलिए ऑल दी बेस्ट आपका नेक्स्ट क्लास है उसके लिए आप प्रिपेयर होगा तब तक आप पानी वानी पीकर रेडी रहिए ओके चलते हैं मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल होगा आपका क्लास नाइन थर्टी में रेडी रहिएगा अर्पिता अर्पिता ग्रुप में ऐड होना है बेटा आप इस नंबर में कॉल कीजिए आपको मैंने कहा था ना इस नंबर में कॉल करें ये इस नंबर से आप कॉल करेंगे फिर आप बोलेंगे आठ बजे आपकी क्लास रहती है सूरज आठ बजे आपकी क्लास रहती है बायोकेमिस्ट्री की तरुण तरुण आप ग्रुप में ज्वाइन हुई है इस नंबर में आप कॉल करें इस नंबर में आप कॉल करेंगे देन उसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा एग्जिट एग्जाम वाली ग्रुप है इसमें आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए एग्जिट एग्जाम लिखकर फिर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा एग्जिट एग्जाम की स्पेशल ग्रुप है बट ये ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ ये एग्ज़ेट एग्जाम स्पेशल है ये आपकी फार्मासिस्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में ऑल दी बेस्ट ओके बाय चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग